नमस्कार साथियों, मैं अभिराज और आप सब देख रहे हैं इस वक्त अभिराज 24 न्यूज चैनल के माध्यम से। सो दोस्तों, मैं इस वक्त बता दूं तो मैं इस वक्त झंझारपुर लौकहा रेलखंड के बीच स्थित हूं, जो कि मैं आप लोगों को बता दूं तो सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट और खुटौना स्टेशन के बीच में पड़ता है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ का अपडेट आप लोग वीडियो के माध्यम से देख ही सकते हैं। यहाँ जो है फिलहाल गिट्टी सब बिछा दिया गया है, बड़ा वाला गिट्टी सब, और मिट्टीकरण में थोड़ा देरी है, यानी कि मिट्टीकरण अभी सही से नहीं हुआ है, क्योंकि सही तरीका से उसको मिट्टी को बैठाए जा रहे हैं रोड रोलर की मदद से दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर। और जो यहाँ पर गिट्टी सब बाकी है बिछाना, उस गिट्टी को बिछाए जा रहे हैं। हालांकि यहाँ तक गिट्टी बिछ चुका है बड़ा वाला, आप लोग देख सकते हैं। और बड़ा वाला गिट्टी बिछाने से पहले आप लोग देख सकते हैं मिट्टी को जो है मजबूती के लिए सबसे पहले छोटा वाला गिट्टी दिया गया है, क्योंकि बरसात अगर होता है तो ये जो मिट्टी जो है बहकर कहीं नीचे ना जाए, धंसकर जो है नीचे ना जाए दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद इस पर जो है बड़ा वाला गिट्टी बिछा दिया जाएगा। और रेलवे पटरी की बात करूं, रेलवे लाइन की बात करूं, तो रेलवे लाइन जो है दोस्तों धीरे धीरे बढ़ारा स्टेशन तक तो फैली गिर चुका है रेलवे पटरी, और धीरे धीरे जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल्ट और खुटौना स्टेशन के तरफ भी धीरे धीरे गिराए जाएंगे, जो कि हवा की मदद से उसको लाए जा रहे हैं। अभी जो फिलहाल मैं बात करूं रेलवे पटरी कहां तक बिछ चुकी है दोस्तों, तो रेलवे पटरी जो है फिलहाल ठाड़ी स्टेशन से 1.5 किलोमीटर आगे तक, यानी कि 1.5 किलोमीटर उत्तर तक जो है पूरा रेलवे पटरी फिनिश हो चुका है, बैठ चुका है वहाँ पर गिट्टी सब, मतलब सब काम ऑलरेडी हो चुका है दोस्तों। और वहाँ जो है मालगाड़ी भी चलाए गए थे, जो कि अंदराठाड़ी स्टेशन और हर्री स्टेशन के बीच में जो है मालगाड़ी दोहराया गया था, यानी कि दोहराया गया था दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। देखिए किस तरह से जो है यहाँ पर रेलवे पटरी को सीधा किया जा रहा है, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से, कितना मेहनत से ये सब जो है बिछा रहे हैं रेलवे पटरी को। कहा जा रहा है कि इन्हीं लोगों के माध्यम से एक दिन में जो है 15 से 20 पटरियाँ बिछा लिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सबको ये जानकारी अच्छा ही लगा होगा। अगर ये जानकारी अच्छा लगा हो तो वीडियो को फटाफट लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तब तक के लिए मिलते हैं किसी नए अपडेट में किसी नए लोकेशन पर। जय हिंद, जय भारत।